जय श्री राधे कृष्णा। हमारे चैनल भक्ति सार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस मास में दिवाली से लेकर देव उठनी एकादशी तक कई बड़े त्योहार पड़ते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का तो विशेष महत्व है। वैसे तो साल भर में 12 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन इन सब में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन जप, तप, पवित्र नदियों में स्नान और दान, इन सब करने का पुण्य अन्य दिन से कई अपेक्षा बड़ा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी इस दिन गाय या बछड़ा दान करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शैव मत से लेकर वैष्णवों में भी कार्तिक पूर्णिमा की महत्ता को बहुत बताया गया है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन हिंदू धर्म में 5 घटनाएं हुई थी। वो कौन सी घटनाएं हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। पहली है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। कहते हैं विष्णु भगवान ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही 10 अवतारों में से पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय के दौरान वेदों की रक्षा की थी और भगवान के इस अवतार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने की वजह से वैष्णवों में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि भगवान विष्णु कार्तिक मास में मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस अपने वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। दूसरी कथा आती है भगवान शिव त्रिपुरारी क्यों कहलाए। शैव मतों के अनुसार कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला था। मान्यता है कि भगवान शिव ने एक खास रथ पर बैठकर अजेय असुर त्रिपुरासुर का वध किया था और इस असुर के मारे जाने पर तीनों लोकों में फिर से धर्म को स्थापित किया। इससे सभी ने भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। तीसरी घटना थी पांडवों के दुख का अंत। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे कि उनके सगे संबंधियों की असमय ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। पांडवों के दुख को देखकर भगवान कृष्ण ने पितरों की तृप्ति के उपाय बताए थे। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण और दीप दान किया था। इसके बाद ही गढ़ मुक्तेश्वर धाम में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, पूजा और दान की परंपरा चली आ रही है। चौथी घटना है देवी तुलसी की। कहते हैं कि कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण करके देवी तुलसी के साथ विवाह किया था और पूर्णिमा तिथि के दिन ही देवी तुलसी का वैकुंठ धाम में आगमन हुआ था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का भी खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही मानव जगत के कल्याण के लिए तुलसी का पृथ्वी पर भी आगमन हुआ था और इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। पांचवा है सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा। कहते हैं सिख धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन सिख धर्म की स्थापना हुई थी। इस धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म इसी दिन हुआ था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म में प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम और लंगर का आयोजन किया जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।